नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। कल का पाठ आपने दोहराया। मैंने आपको करवाया था ना, कौन सा पाठ करवाया था कल, सबसे अच्छा कौन है। हमने देखा था ना, हम किससे किससे मिले थे, कौवे से मिले थे, उसके बाद हंस से, उसके बाद तोता, उसके बाद मोर। इतना पाठ आपने दोहराया, उसमें कौन खुश था आपको पता चला। इतना आपने पाठ का उच्चारण किया, आपने पाठ पढ़ाया इतना, उसमें पता चला आपको कौन कौन खुश था। उसमें कोई भी खुश नहीं था। तो आज हम जानते हैं आखिर खुश कौन था। तो आपको याद है हम लोग कहाँ पर पहुंचे थे? यस, मेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं और एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि सबसे खुश कौन था। ठीक है, आइए जानते हैं, अपने पाठ की ओर चलते हैं। ठीक है बेटा, लगता है कि वो सबसे खुश पक्षी है क्योंकि उसके रंग बिरंगे पंख हैं जिन्हें फैलाकर वह बारिश में नाचता है और लोगों को रिझाता है। उसे तो राष्ट्र पक्षी भी माना गया है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हमारा देश का राष्ट्र पक्षी कौन है? सही जाना आपने, मोर। तोता बिल्कुल सही बोल रहा है, अब क्यों न मैं मोर के पास जाऊं। कौवा चिड़ियाघर में मोर के पास गया। वहां वह पिंजरे में बंद था जिसे बहुत से लोग देखने के लिए आए थे। अभी मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाह रही हूँ, सोचिए और बताइए, चिड़ियाघर में मोर को पिंजरे में क्यों बंद कर रखा था? क्यों बंद करके रखा था मोर को? सोचना है और आपको लिखना है। कौवा मोर के पास आकर बोला, मोर भाई, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तुम्हारे सिर पर कलगी है जिससे तुम एकदम राजकुमार की तरह दिखते हो। यहाँ देखो, कई लोग तुम्हारी सुंदरता को देखने आए हैं, इसलिए तुम ही दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। कौवे ने क्या बोला मोर को? उसकी तारीफ की कि तुम्हारे सर पर तो कलगी है, वो कलगी से तुम राजकुमारों की तरह बहुत सुंदर सुंदर दिखते हो। कई लोग तुम्हारी सुंदरता को देखने आए हैं, इसलिए तुम ही दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। देखो तो तुम्हारी सुंदरता इतनी है, तुम्हारे पंखों में सुंदरता इतनी है कि सारे लोग तुमको देखने आए हैं कि मोर इस तरह सुंदरता, उसकी सुंदरता को अपनी पंखों के द्वारा कैसे फैलाता है। मोर बोला, मित्र, मैं हमेशा यही सोचता था। मित्र, मैं हमेशा तुम्हारी तरह ही सोचता था कि मैं सबसे खुश पक्षी हूँ, कि मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूँ। लेकिन उसको डाउट हुआ, मेरी खूबसूरती के कारण मुझे यहाँ पिंजरे में कैद कर लिया गया है। मैं हूँ तो सुंदर, लेकिन मेरी सुंदरता की वजह से मुझे यहाँ पर पिंजरे में कैद कर लिया गया है। मैं सुंदर तो हूँ लेकिन अब खुश नहीं हूँ। मैं सुंदर हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। अब मैं यह चाहता हूँ कि भले ही मेरे रंग बिरंगे पंख नहीं होते, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी आजाद रहता। वो सोचने लगा, मैं इन पंखों का क्या करूँगा जिससे मुझे आजादी नहीं है। तो वो कौवा को बोलता है, अच्छा होता मैं तुम्हारी तरह होता, कम से कम मैं आजाद होकर उड़ तो सकता था। चिड़ियाघर में
आने के बाद मुझे यही लगता है कि कौवा यानी कि तुम ही सबसे खुश पक्षी हो। तो मोर ने उसको क्या समझाया कि तुम ही सबसे खुश पक्षी हो। क्यों? क्योंकि वो आजादी से पंख फैलाकर आसमान में, ऊंचे आसमान में, खुले आसमान में उड़ सकता है। अब कौवा जान गया कि पक्षियों के लिए भी आजादी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती है। फाइनली क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, कौवे के को पता चला कि आजादी से बढ़कर और भी कोई खुशी नहीं होती है। कैद में रहकर कोई खुश रह सकता है? आपको कोई बंद करके रखे रूम में तो आप खुश रहोगे? नहीं ना। किसी के ऊपरी दिखावे या रंगों को देखकर उसे खुश नहीं जान सकते। खुश वही पक्षी है जो खुले आसमान में पंख फैलाकर आजाद रहता है। ऊपरी दिखावे पर इसका इतना बड़ा घर है, इसको इतने सारे खिलौने हैं, इसको बहुत सारी गाड़ियां हैं, इसको देखकर हमको खुश नहीं होना है, ऊपरी दिखावे पर खुश नहीं होना है। खुश तो वही है जो आजादी से घूम सकता है। हमें पशुओं पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी आजाद रहना अच्छा लगता है। इस पाठ के दौरान हमें सीख मिलती है कि जैसे हमको आजादी प्रिय है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी आजाद रहने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है, पूरा राइट है उनको आसमान में, खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने का। तो हमें कभी भी पशु पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए, उनको भी आजादी उतनी प्रिय है जितनी हमें प्रिय है। आपको समझ में आया पाठ? ये था पाठ का दूसरा पाठ। आप पूरा पाठ दोहराएंगे और दूसरी बार दो बार इसको दोहराएंगे और सही उच्चारण जानेंगे। Till then, remain safe and happy. Namaskar.